गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की, भाई बाले वाली। साखी गुरु मुखों की। भाई बाले ने पूछा, हे गुरुदेव, मक्का वही है जहाँ भाई मर्दाना गया था? गुरुजी ने कहा, हाँ वही मक्का है। तब बाले ने कहा, हे गुरुजी, वह पीर मक्के में जाकर किससे पूछ कर आएगा? गुरुजी ने कहा, हे बाला, यह पीर भक्ति में सोए पूर्ण है, परंतु इसका जो पीर है वह पूर्ण नहीं है। इतने में सैयद जलाल ने कहा, हे खुदावद, यदि यह जहाज पहाड़ से जा आगे तो हम इस पहाड़ के भी सैर कर लें। इतने में देव इच्छा में जहाज पहाड़ से जा लगा। जहाज में से आवाज आई, भाई जिसने उतरना हो वह जहाज से उतर सकता है। पीर तत्क्षण उतर कर उस पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर बहुत सुंदर स्थान देखा, जहाँ सैया बिछी है और मसंद भी सुंदर बिछ रहा है। समर्क सभी है, परंतु वहाँ रहने वाले कोई भी नहीं है। तब पीर ने मन में सोचा, यह पदार्थ अकेले नहीं है, यह अवश्य कोई आएगा। फिर सैयद जलार उतर कर समुद्र की सैर करने लगा। समुद्र में वर्षा होती देखकर सैयद ने कहा, हे खुदा, जहाँ वर्षा की आवश्यकता है वहाँ तो एक बूंद नहीं गिरती, अथवा जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ प्रतिक्षण वर्षा होती रहती है। पीर के इन शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर पर्वत पर चला गया। तब वहाँ देखा कि बहुत से महात्मा जन अपने अपने आसनों पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तब पीर भी उनके निकट बैठ गया। अर्धरात्रि के समय देव कृपा से उनके लिए भोजन की थाल उतरे। तब एक ने उठकर अपने गुरु को नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, अरे भोजन आया है, यहाँ नहीं? उसने उत्तर दिया, हाँ महाराज, भोजन तो आ गया है, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि संतोष क्यों नहीं हुआ? तब उसने कहा, हे महाराज, एक धरती का साधु आया है, उसके लिए भोजन नहीं आया। तब गुरु ने कहा, उसने परमेश्वर की इच्छा नहीं मानी होगी। इतने में भोजन पाकर सभी चले गए और जाते नजर नहीं आए। जलाल सैयद रात्रि को विश्राम करके प्रातः फिर समुद्र की ओर गया। क्या देखता है कि ग्रह जहाज को खींचे लिए जा रहा है और जहाज डूबता जा रहा है। तब जलाल ने कहा, हे खुदा, इस जहाज में वह भी है जो अपने परिवार से बिछड़ कर आया है, वे भी है जिन्होंने तृष्ण लेकर सामान भरा है। अगर यह जहाज डूब गया तो मेरे हाथ क्या आएगा? यह बात सैयद ने कही तो वह जहाज डूबने से बच गया। प्रात फिर सैयद उस स्थान पर गया जहाँ साधु थे। आज किसी के लिए भी भोजन नहीं उतरा। साधु हैरान होकर अपने गुरु के निकट गए और गुरु को कहा, हे गुरुजी, कल वाला जो अतिथि है वह आज भी भूखा ही रहा है। गुरु ने कहा, अच्छा, उनको यहाँ बुला लाओ, हम देखेंगे कि उससे उससे कौन सा अपराध हुआ है। वह संत सैयद को बुलाकर ले गया। तब उस महापुरुषों ने पूछा, भाई तू कौन है और अपने आने जाने का परिचय दे। सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं उच्छ से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। महापुरुषों ने कहा, हे संत, मक्के में जाने का क्या प्रयोजन है? तब सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं गुरुमुखों के लक्षण पूछने जा रहा हूँ,
और साथ ही देखूंगा कि गुरुमुख लोग किस प्रकार के होते हैं। उस संत ने कहा, हे भाई, तुम्हारी आयु कितनी है? सैयद ने कहा, यह तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। उस संत ने कहा, अच्छा, यह बताओ कि तुम इन 2 दिनों को छोड़कर क्या आगे भी कभी भूखे रहे हो अथवा नहीं? सैयद ने कहा, हे महाराज, मैं अपनी आयु में कभी भी भूखा नहीं रहा, यही 2 दिन भूखे व्यतीत किए हैं। फिर उस संत ने कहा, हे भाई, तो अपने पाप प्रकट कर। जलाल ने कहा, हे महाराज, मैं तो इन 2 दिनों में समुद्र की सैर ही करता हूँ और तरंगे ही देखता रहा हूँ। एक दिन वर्षा होती देख कर कहा था, हे ईश्वर, तू यह क्या करता है? जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ तो वर्षा कर रहा है, और जहाँ जरूरी है वहाँ बूंद भी नहीं बरसती। मेरे इन शब्दों से वर्षा बंद हो गई थी कि दूसरे दिन एक जहाज डूबने डूबते हुए देखा। मैंने कहा, हे खुदा, इस जहाज में अनेक प्राणी हैं और परिवार को छोड़कर आ रहे हैं, तथा अनेकों ने तृष्णा लेकर माला भर रखा है। भला जहाज डूब डूब कर तेरे हाथ क्यों आएगा? तब जहाज डूबने से बच गया था। जब सैयद ने यह बात सुनाई तो उस महापुरुष ने कहा, हे मित्र, इस मनमुख पुरुष को धक्के मार कर बाहर निकाल दो, क्योंकि यह मिथ्यावादी है, अत हमारे निकट रहने योग्य नहीं है। तब सैयद ने कहा, हे महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है तथा मैंने कौन सी बुराई की है? उस महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, उस परमात्मा के सर्वशक्तिमान की इच्छा है, तू उस पर समालोचना करता है करने वाला है तथा उससे दयालु नहीं मानता। तेरे ही कथन से सभी काम उल्टे पुल्टे हुए हैं तथा तू उसका परिपक्व प्रेमी नहीं है। जो गुरुमुख होता है वह उसकी इच्छा पर प्रसन्न होता है। जो पुरुष जगदीश के प्रत्येक कर्तव्य को सहन ग्रहण करे तथा उसकी इच्छा पर निर्भर रहे, उसके किसी भी काम में हाथ न डाले, मन इच्छा को इच्छा पर न्योछावर कर दे, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा को माने, हे भाई, जिनमें यह लक्षण पाए जाए वह गुरुमुख कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जो प्राणी उसकी आज्ञा न माने तथा उस पर संदेह भाव रखे, उसी को विमुख तथा मनमुख कहा जाता है। संत जलाल ने कहा, हे महाराज, मेरे अहोभाग्य है जो मेरे सक्षण इसी स्थान पर दूर हो गए हैं। मैं तो इसी का उत्तर लेने के लिए मक्का जा रहा था। मन में विचार था कि मैं अपने मजहब के विद्वानों से मिलकर इसी शंका को दूर करूं कि विमुख और गुरुमुख में क्या भेद है। तब इस संत ने कहा, पीर, क्या तुम अपने स्थान पर भी किसी को छोड़कर आए हो? तब जलाल ने कहा, जी, मैं एक दरवेश को वहाँ छोड़कर आया हूँ। उस संत ने कहा, सुनो भाई, जिस साधु को तुम अपने स्थान पर छोड़ आए हो वह सब कुछ जानते हैं तथा सर्व अंतर्यामी है। उनकी शरण में होने से तुम सभी सुख प्राप्त कर सकते हो। जहाँ तक कि वह परम पुरुष त्रिकाल यानी तथा मोक्ष प्रदाता है। सैयद ने कहा, आपने मुझ पर अपार कृपा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। पीर, फिर उस महापुरुष ने कहा, हे मित्र, अब यदि कोई ईश्वर से जहाज इधर आ जाए तो तुम उस पर सवार होकर वापस चले जाओ। अकस्मात एक जहाज उधर आ गया। सैयद जलाल उस पर चढ़कर अपने स्थान पर आ गया। श्री गुरु नानक देव जी से मिलकर पीर जलाल बहुत प्रसन्न हुआ। श्री गुरु जी कहो
श्री गुरु जी, कहो सैयद जी, आप गुरुमुखों का परिचय लेने गए थे, सो उनके बारे में क्या पता लेकर आए हो? सैयद कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी, जो कुछ मैं समझ कर आ रहा हूँ वह आप भली प्रकार जानते ही हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर प्रसन्न रहे, दुख सुख को एक जैसा माने, उसी गुरुमुख कहा जाता है, और जो इसके उलट आचरण करे वह विमुख है। गुरु जी, हे सैयद, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैयद ने कहा, हे महाराज, मैंने उस ज्ञान के साथ साथ आपकी पहचान भी प्राप्त कर ली है। अब अंतर्यामी जगत के उद्धार रूप है, आप सभी को जानने वाले सर्वज्ञानी हैं। यह दोनों ज्ञान एक महापुरुष की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इतना कहकर सैयद ने तमाम बातें ब्योर बार कर सुना दी। फिर कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरुजी ने कहा, हे प्यारे सैयद, अब हम जाना चाहते हैं। उसने कहा, हे महाराज, कुछ दिन और कृपा करो। फिर सैयद ने श्री गुरुजी से अनेक परमात्मा की बातें की और संतोष प्राप्त किया। फिर मर्दाना ने पूछा, हे गुरुदेव, उस पर्वत पर जो साधु थे, जहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वह साधु कौन है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, वे जो साधु वहाँ थे वे सभी माँ ऋषि नारद जी के शिष्य थे, वे पूर्ण साधु है। फिर मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, आपका विचार किधर की सैर का है? गुरुजी ने उत्तर दिया, हे मर्दाना, आज तक हमने अपना इरादा कभी भी नहीं बनाया, उस प्यारे की जिधर आज्ञा हो हम उधर चल जाते हैं। जहाँ जगदीश ले जाए उधर ही जाना हमारा लक्ष्य है। धन्य श्री गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपके चरणों में बिनती, अमृत वेला संभालो, अमृत वेले से जुड़ो, वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण करो। ऐसे हमने इस वाणी में सुना कि मनमुख क्या है और गुरुमुख क्या है। गुरुमुख वो जो खुदा की आज्ञा में चले, जो खुदा उसके लिए करे वो सही है, और मनमुख वो जो खुदा के अगेंस्ट जाए। तो हमें कोशिश करनी कि हम गुरुमुख ही बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें। वाहिगुरु जी का खालसा। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।